तो डलाना है पेट्रोल। डला लेते हैं। अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हो। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी। मैं ज्योति जयपुरी। मैं आयुष जयपुरी। आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। काफी दिन से ज्योति बोल रही थी, गोलू बोल रहा था कि घूमने जाना है, पार्क जाना है, मंदिर देखने जाना है, लेकिन जा नहीं पा रहे थे हम लोग। ज्योति क्या बोली, आज चलो मैं तो जाऊंगी, अगर तुमको चलना है तो हमारे साथ चलो। तो हमेशा मैं इनको घुमाता हूँ, तो आज मैं घुमाऊंगी। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, मौसम बड़ा सुहाना है। जैसा आप देख रहे होगे कि क्लाउड्स हैं, बादल छाया हुआ है, वैसे 3-4 दिन से ठंड काफी बढ़ गई है यहाँ पे हमारे यहाँ। हाँ, ये डैम है बेटा, इसका नाम है जामझोर डैम। गोलू, हम लोग को ना जिक्सर में आना था बेटा, मम्मी तो एकदम धीरे धीरे चला रही है ना। ये हम लोग पहुंच गए कोतबा। सबसे पहले हम लोग अभी जा रहे हैं गंजियाडीह मंदिर। गंजियाडीह के लिए हम लोग को इस चौक से लेफ्ट लेना पड़ता है, और इस पे लेफ्ट लेके अगर हम लोग जाएंगे, सीधे सीधे जाएंगे तो ये उड़ीसा निकालता है लावा केरा। ये है हमारे गंजियाडीह का माँ जगदम्बा मंदिर। और अब हम लोग अभी ज्योति, मैं, गोलू पूजा करने जाने वाले। ये अभी 3 बजने वाले हैं, बूंदाबांदी चालू हो गया था, तो हम लोग आराम से बैठ के सेल्फी सेल्फी खेल रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे घूमने के लिए जाएंगे, पार्क, और वहाँ पे पार्क के पास में एक और मंदिर है, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, वहाँ पे भी जाएंगे। और अभी लौटते समय तुम्हारे जुपिटर में है पेट्रोल? पेट्रोल तो है, तो डलाना है पेट्रोल। डला लेते हैं। अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हो। मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती, मैं ऐसी छू। ये सच में ऐसी छू, ऐसी करते रहती है। आप इसको अगर घर में देखोगे, बात बहुत ज्यादा करती है, और जब घर में कोई नहीं रहता है तो किससे बात करती है गोलू? बर्तन से। बर्तन वर्तन से बात करती रहेगी, सब्जी से, सब्जी से बात करते रहेगी, दीवाल से, दीवाल से बात करते रहेगी। ऐसा ही है, ओवर एक्टिंग नहीं है इसका, ऐसा ही है। अच्छा लग रहा है ना, आज बहुत दिन बाद निकले हैं। तो नेक्स्ट और कहाँ चलेंगे? जाएंगे अगले संडे को, हम लोग सोचे हैं गोलू और मैं। ना गोलू, लेकिन मेरे को वहाँ पे घोड़ा है, मैं भी चलना है। चलें तो दोनों गाड़ी का टैंक फुल। अभी गोलू और मेरे बीच बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है एक डॉगी लेने के विषय में, पपी लेने के विषय में। गोलू यूट्यूब वीडियोस देख देख के काफी ज्ञान ले चुका है कि डाबरमैन क्या होता है, लैब्राडोर क्या होता है, और क्या क्या उसमें, उस अमेरिकन बुलडॉग, इस तरह की बहुत सारी ज्ञान की बातें बता रहा है। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा डॉगी लेना है गोलू के लिए। गोलू की मम्मी तो मना कर रही है डॉगी लेने से, लेकिन गोलू पता है, हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग भी एक डॉगी पाले थे, उसका नाम था शेरू। हाँ,
वो फिर एक दिन मर गया। वो मर गया ना तो बहुत दुख लगा बेटा। ते चीनू चाचा से पूछना ना, पिछली बार वो जो डॉगी पाले थे तेरे को पता है कि नहीं कहानी उसका? चीनू चाचा का घर सड़क के किनारे है ना, एक गाड़ी ना वो डॉगी के ऊपर चढ़ गई और वो डॉगी मर गया। तो चीनू चाचा बहुत रो रहे थे, पूछना उनसे। तो ऐसी बहुत दुख लगता है बेटा कुछ हो जाता है तो। ठीक है, तो मम्मी के साथ में बैठेंगे मीटिंग और फिर डिसाइड करेंगे ना। तो अभी पार्क चलें खेलने? पार्क इधर ही है ना गोलू? चलो। मम्मी पहली बार आ रही है ना गोलू ये पार्क में? तो पहले मम्मी को मंदिर ले चलते हैं बेटा, है ना? मस्त है ना, सुंदर है। हम लोग सेकंड मंदिर पहुंच चुके हैं। ये जो आप पीछे देख पा रहे हो ये यहाँ का सती घाट कहते हैं, सती घाट शिव धाम कोतबा। और अगर इस तरफ आप देखोगे तो ये पार्क है जहाँ पे गोलू खेलने के लिए आता है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है जैसा आप देख पा रहे हो। और इधर, हाँ बेटा मैं ऊपर जाऊँगा। हाँ ठीक है, चलेंगे चलेंगे। इधर ये एक मंदिर इधर दिख रहा है, उधर ये सुंदर सा जलाशय है और ये जो है मंदिर। और उधर अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा भी है। हनुमान जी कहाँ? कहाँ पर? वहाँ पे। हाँ हनुमान जी को चल दी। मोर भी है बोल। मोर भी है उधर। मोर भी है पत्थर का, पत्थर के ऊपर में। चल पास से देखेंगे। क्या बेटा? और जो हनुमान जी की को मैं पास में जाके देखूंगा। जय श्री राम, है ना? नमस्ते करते हैं बोलू आजा। हाँ ये लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी को भी नमस्ते कर देते हैं। हनुमान जी को ये, ये हनुमान जी को भी नमस्ते। जय बजरंगबली। खूबसूरत सा महादेव जी का मंदिर है ये। इसका अगर प्रांगण देखोगे आप लोग तो कितना सुंदर है, जैसा आप देख सकते हो जलाशय है, यहाँ पर पानी बह रहा है बढ़िया। बीच बीच पे कुछ प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं, जैसे नीचे आप देख रहे हो मोर है, पक्षी है, हंस का प्रतिमा है और उधर शेष नाग है, उसके ऊपर में कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और अगर आप उस तरफ से देखोगे तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है वहाँ पर। तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। इधर मोर और हंस। हाँ हंस। मैं घंटी बजाऊंगा। बजा। पापनाशनम आपदाहर्ते ही नित्येन नमः शिवाय। अभी कुछ उत्सव हो रहा है, क्या हो रहा है? काफी ज्यादा भीड़ होनी चालू हो गई है। तो हम लोग का पूजा पाठ तो यहाँ पे हो गया, अभी कहाँ चलना है गोलू? मैं अभी आपको इतना अचानक देखा ना, इतना जोर से मेरा दिल धक गया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बहुत खुशी हो रही है सर, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग आ रहे हैं। बड़े तो नहीं है बस, हम लोग भी ऐसे ही इसी से चालू किए थे, सेम यही सेटअप। क्या मैं एडिट करते हो? मैं वो उसमें नाम भी याद नहीं आ रहा है आपसे मिलके। सही में तो ये है अजय भाई, इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, अचानक अप्रत्याशित रूप से मिल गए। क्या नाम है भाई चैनल? मेरा फनी बॉय अजय यूट्यूब चैनल है भाई, लोग सब्सक्राइब कर देना। सर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ सर से मिलके, मतलब आप लोगों को बता नहीं सकता। मतलब जब किसी बड़े यूट्यूबर से मिलने से मतलब कितना खुशी लगता है आप लोग बता नहीं सकते। मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बाकी बाकी की बात भाई के चैनल पे मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करिए। इतना नर्वस फील कर रहा हूँ ना आप लोगों से, मतलब बता नहीं सकता। ये
ये हमारे कोतबा का पार्क और ज्योति को देख रहे हैं। गोलू से ज्यादा बच्ची तो वो बन गई है, गोलू उधर ऊपर में चढ़ा हुआ है गोलू। ये दोनों को, ज्योति और गोलू को खुश देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। घूमने के लिए बहुत दूर जाना जरूरी नहीं है, 5 से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बीच भी जाके वही खुशी जो शायद बहुत ज़्यादा दूर जाके हजारों रुपए खर्चा करके जो खुशी मिलती है उससे भी ज़्यादा खुशी शायद ये छोटी मोटी खुशियों में ज़्यादा खुशी है। देखिए ये लोग कैसा फन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। क्या हुआ ज्योति? गोलू अटक गया, उतर नहीं सक रहे। गोलू तू अटक गया क्या? कहाँ गोलू कहाँ? काफी आनंद आ रहा है लोग को। और अभी समय हो रहा है 4 बज चुके हैं, 4:10 हो चुके हैं। अभी हम लोग घर से निकले थे लगभग 1 बजे निकले थे, कहते इतना समय बीत गया, 3 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। मेरे को तो ब्लॉग ही करने नहीं आता, कितना ज्यादा गर्म पानी है ये। गर्म है पानी बहुत, एकदम जीभ जल गया मेरा। तो मैं तो बताई बहुत गर्म है करके, थर्मस में अभी तक गर्म है। तो झूले का आनंद लेते हुए हम लोग तीनों, और गोलू को लग गई है भूख तो पहले कुछ खाना पड़ेगा। अच्छा है कि ज्योति क्या मिक्सचर लेके आई है ज्योति। मैं काफ़ी दिन से YouTube पे रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, आप लोग भी काफ़ी नाराज़ रहते हो कि वीडियोस बहुत कम आती है, कई बार मैं गायब हो जाता हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं एटलीस्ट हफ्ते में 3 वीडियोस डाल पाऊँ। आप लोग वैसे डेली व्लॉग के लिए बोलते हो लेकिन डेली व्लॉग शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को सुबह 8:30 वीडियो पोस्ट करूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं फिलहाल कोई प्रॉमिस नहीं कर पा रहा हूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में 3 वीडियो डाल सकूँ, अगर ज़्यादा हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम में ये फोटो पोस्ट करी हुई है, आप जाके वहाँ पे अपने जो भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ऊपर आओ, मैं पता नहीं बेटा उसमें से घुस पाऊंगा कि नहीं। अभी शाम के 5 बजने वाले और मैं वीडियो एंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन गोलू बोल रहा है कि ऊपर में चढ़ के वीडियो एंड करेंगे वहाँ पे। गोलू तो चढ़ गया, हम लोग मोटा मोटी कैसे चढ़ेंगे ऊपर, बस ये सोच रहे हैं। और गोलू की जिद है, हम लोग तीनों को संभाल ले गए। मालूम नहीं मैं तो। गोलू मैं घुस पाऊंगा कि नहीं? मैं यहीं रहूंगी तो ठीक है, डर लग रहा है हम लोग को। तो गोलू की फरमाइश पे आज हम आसमान पे आके वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का बेल दबा सकते हैं। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। अब उतर सकते हैं ना? हाँ उतर, अब नहीं उतर सकते।